वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 6 जून 2023 के करंट अफेयर्स। तो आज का फर्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इट एनकरेजेस अवेयरनेस एंड एक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। लोगों में जागरूकता लाएं कि एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और लोग कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, उससे रिलेटेड एक्शंस लोगों को बताए जाएं, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। अब देखिए, फर्स्ट सेलिब्रेटेड ऑन, सबसे पहले ये जो डे है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, कब मनाया गया था? 5 जून 1973 को, ड्यूरिंग स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, वहां पे ये डे सेलिब्रेट किया गया था। चलिए, ये तो हो गई फर्स्ट टाइम की बात, बट जब इस साल ये डे सेलिब्रेट किया गया है तो इसका थीम क्या रहा? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब देखिए, तीनों साथ में है, मैंने बीच में अंडरस्कोर कर दिया ताकि आप लोग इसको पढ़ सके, इजिली याद कर सके। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, हाईलाइटिंग पीपल्स एक्शंस टूवर्ड्स प्लास्टिक पॉल्यूशन रिडक्शन। प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है, इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, उसको हाईलाइट करने के लिए ये दिन मनाया गया, ये थीम रखा गया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड न्यूज की तरफ चलते हैं। सो थर्ड G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग, थर्ड एडिशन हुआ है G20 के अंडर हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का, हैदराबाद में हुआ है। अब G20 का क्या है? देखिए, इंडिया के पास है प्रेसिडेंटशिप G20 की, इसलिए इसके अंदर जो भी मीटिंग्स हैं इंडिया में वेरियस लोकेशंस पे हो रही हैं। अब इस मीटिंग का एम है, इट इज एम्ड एट डिस्कसिंग एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू हेल्थ चैलेंजेस फेस्ड बाय G20 कंट्रीज। G20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20 जिसमें 19 नेशंस हैं और एक है यूरोपियन यूनियन जो खुद में ग्रुप है सेवरल नेशंस का। तो अब G20 के अंदर जितने भी नेशंस आते हैं, जितने भी कंट्रीज आती हैं, वहाँ पे जो भी हेल्थ चैलेंजेस हैं उनके लिए क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उन सबको डिस्कस करने के लिए ये मीटिंग हुई है। आपने बस ये याद रखना है कि हैदराबाद में हुई है। अब आगे चलते हैं थर्ड न्यूज़ की ओर। तो दुनिया की सबसे बड़ी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस कब होगी? 2025 में होगी। तो इसके लिए बिडिंग हुई थी, जो जीता है UAE अबू धाबी। ठीक है, अब इसकी लोकेशन, कॉन्टिनेंट, नेबरहुड, वो सब कुछ आपको वर्ल्ड मैप पे चेक करना है। हमेशा कहती हूँ, जहाँ भी आप स्टडी करते हैं आपके साथ में वर्ल्ड मैप होना चाहिए, इंडिया का मैप होना चाहिए, ताकि आप बार बार जैसे किसी भी कंट्री का या किसी भी चीज़ का जिक्र होता है आप उस पर नज़र मारें, वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अब ये जो कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस है ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN के द्वारा ये करवाई जा रही है। अब IUCN क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फुल फॉर्म हमने पढ़ ली, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। नेचर को कंजर्व करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक यूनियन बनाई गई है, वो है ये। बाकी इसके फॉर्मेशन हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को, हेडक्वार्टर्स हैं ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। 48 में और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी अगर आपको याद हो तो? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी 1948 में बनी है, बट उसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अब ये है क्या? इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचर को कंजर्व करके रखें, जो रिसोर्सेज हैं उन्हें इस तरह से यूज़ करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बच जाए, ये एम है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दुनिया की सबसे बड़ी कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस, 2025 में UAE अबू धाबी में होगी और उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमारा फोर्थ पॉइंट यानी कि इस पेज का लास्ट पॉइंट है एक अपॉइंटमेंट इंटरनेशनल लेवल की। बट यहाँ पे आपसे देखिए एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। सो देखिए, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बने हैं, 14th प्रेसिडेंट हैं, अजय बंगा हैं। अब देखिए ये कौन है, हम क्यों इन्हें पढ़ रहे हैं? बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू होल्ड दिस पोजिशन। इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटी हैं, इंडिया के हैं ओरिजिनली बट अमेरिका में रहते हैं, तो पहले इंडियन अमेरिकन हो गए, टर्बन वाले हैं, पंजाबी सरदार हैं। तो ये पहले ऐसे बने हैं जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं, इस पोस्ट तक पहुंचे हैं। इससे पहले डेविड मालपास थे, कई सालों से हम पढ़ रहे हैं डेविड मालपास, आपको तो याद भी हो गया होगा, है ना। अब ये जो अजय बंगा है, इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वर्ल्ड बैंक का हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। वैसे मैंने टॉपिक ऑफ द डे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। वर्ल्ड बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, जो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको लोन देती हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। आपको रोड्स बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, वाटर मैनेजमेंट, जो भी करना है उसके लिए लोन देती है, ताकि आप थोड़ा अपनी कंट्री को विकास की ओर अग्रसर करवा सके। बाकी इसकी फॉर्मेशन जुलाई 1944 में हुई थी, हेडक्वार्टर्स Washington DC में है। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी कहाँ पे है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट।
बार बार देखिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो के साथ में नोट्स बना लें, क्योंकि एक बार आपके नोट्स बन गए तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अरे अब करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें। डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, डेली आप नोट्स बनाएंगे, आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपको इतनी लगेगा कि मेरी कमांड करंट अफेयर्स पे है। जब एक चीज पे कमांड है तो फिर दूसरे सब्जेक्ट पे वैसे ही कमांड बनने लगती है, कॉन्फिडेंस, जब कॉन्फिडेंस आने लगता है ना तो ऐसा लगता है कि जो चीज़ नहीं भी आती है उसमें भी ऐसा लगता है कि नहीं मुझे आता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट पेज हुआ हमारा कंप्लीट, इसी के साथ अब डायरेक्टली चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आज का फिफ्थ पॉइंट है इंडिया कंडक्टेड सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ अग्नि वन बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम। इंडिया ने सक्सेसफुली जो है लॉन्च जो था अग्नि वन बैलिस्टिक मिसाइल का वो कंप्लीट किया है सक्सेसफुली, तो कौन से आइलैंड से, कहाँ से किया है? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा से, ठीक है। सारे वन लाइनर्स हैं, फटाफट से हम कवर अप करेंगे ताकि वीडियो लेंथी ना हो, राइट। नाउ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ WMO, अभी हमने क्या पढ़ा कि जो वर्ल्ड बैंक है उसके न्यू प्रेसिडेंट बने हैं अजय बंगा, अब हम पढ़ रहे हैं कि WMO विच स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके न्यू प्रेसिडेंट बने हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदौस, UAE से हैं, 4 साल का इनका टाइम पीरियड है। यहाँ पे भी बिडिंग हुई थी तो UAE इस बिडिंग को जीती है, ठीक है। सेवन्थ पॉइंट है इंडिया यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस, इंडिया EU कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? तो या तो इंडिया में होगी या यूरोपियन यूनियन की किसी कंट्री में होगी, तो ये इंडिया में हुई है, मेघालय में। नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक है ना। चलिए, एट्थ पॉइंट है इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एन एलियन प्लैनेट। अब जो इंडियन वैज्ञानिक हैं, भारतीय वैज्ञानिक हैं, इंडियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक एलियन प्लैनेट डिस्कवर किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है ये, ठीक है, विच इज 13 times बिगर देन जुपिटर। जुपिटर जो है हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है ना, तो उससे भी बड़ा ये, 13 गुना बड़ा है साइज में। और इसका नाम ये क्यों रखा गया है, इतना बड़ा TY, और आपको ये याद करना है, इसको ऐसे मत कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ तो आपने नहीं पढ़ना। इसका ये है कि जो एग्जामिनर है वो यहाँ से क्वेश्चन डालता है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मर्जी आप याद करें। एंड बिकॉज इट ऑर्बिट्स अराउंड अ स्टार नेम्ड दिस, अब ये जो प्लैनेट है एक स्टार के अराउंड घूमता है, उस स्टार का नाम है ये, ठीक है। अब नाइन्थ पॉइंट भी हमारा फिर से अपॉइंटमेंट, आज हमने बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स पढ़ी, हमने जाना वर्ल्ड बैंक के, WMO के, अब यूको बैंक के हेड हम जो पढ़ रहे हैं। सो MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक कौन बने हैं? अश्विनी कुमार बने हैं। वर्ल्ड बैंक अजय बंगा, WMO डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंदौस, ठीक है। अब एक और आ गया हमारा अपॉइंटमेंट, 11th पॉइंट है इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज बीइंग डेवलप्ड इन। इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज, इसकी डेवलपमेंट की जा रही है, अभी यहाँ पे काम चल रहा है। तो कहाँ पे ये बनेगा? भिवंडी तालुका थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। अब कार्बन न्यूट्रल विलेज क्या होता है? वे आर मेकिंग और रिजल्टिंग इन नो नेट रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर इज पॉसिबल। एक ऐसी जगह जहां से कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी ना जाए एटमॉस्फेयर में, उसे हम कहते हैं कार्बन न्यूट्रल प्लेस। तो ये एक ऐसा गांव बनाया जा रहा था, तो इसलिए कार्बन न्यूट्रल विलेज बोल दिया। एक ऐसी ही पंचायत भी बनी है इंडिया में जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो ये है फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत इन दी कंट्री। हमारे देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी है? पाली, जो कि जम्मू में है। कार्बन न्यूट्रल पंचायत मतलब इस पंचायत में कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर की ओर एमिट नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखिए लास्ट के हमारे ऑलमोस्ट हम एंड पे ही पहुंच गए हैं, तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहें। रिसेंटली किसी की डेथ हुई है जिनका नाम है सुलोचना लटकर। पास्ट वेरी रिसेंटली, कौन थी, किस फील्ड से रिलेटेड थी? तो देखिए मूवीज से रिलेटेड है, वेटरन हिंदी एंड मराठी फिल्म एक्ट्रेस, एक्ट्रेस है, हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करती हैं, ठीक है। अब हम पहुंच गए हैं आज के लास्ट पॉइंट की ओर, वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है? 3 जून को मनाया जाता है। थीम क्या रहा? राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए साथ में राइड करें। देखिए इसका यूज काफी ज्यादा आजकल प्रमोट किया जा रहा है, बिकॉज इट इज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कोई धुआं नहीं छोड़ती, कोई पेट्रोल नहीं भराना, बस आपको खुद से चलानी है। पेडल हम मारते तो उससे हमारी हेल्थ भी सही रहती है, फिजिकली भी हमारे लिए ठीक है, एनवायरमेंटली भी ठीक है। तो बाइसिकल का यूज काफी देखेंगे आप आजकल, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो बहुत बढ़ा रही हैं, है ना। चलिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। आई होप मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।